बागली अनुभाग के अन्नदाताओं ने बागली मुख्यालय पर नर्मदा सिंचाई योजना की प्रशासनिक मांग को लेकर बुधवार के दिन भारतीय किसान संघ के बैनर तले शक्ति प्रदर्शन करते हुए किसान दिवस भगवान बलराम जयंती उत्सव के उपलक्ष्य में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई। बागली अनुविभाग के अंतर्गत उक्त सिंचाई योजना की मांग को लेकर अन्नदाता लंबे समय से लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उक्त योजना को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है, ना ही क्षेत्र को मां नर्मदा का पानी मिला है। आगामी दिनों में खंडवा लोकसभा उपचुनाव होना है, जिसके चलते एक बार फिर से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और विगत कई माह से बागली अनुविभाग के अन्नदाता अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही बागली को मां नर्मदा के पानी की सौगात मिलेगी। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। ज्ञापन दिवस था प्रदेश का, उसमें सभी देवास जिले की सभी तहसीलों में ज्ञापन दिया। हमारे उसी तहत हमारे बागली तहसील में भी एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्य मांग हमारी नर्मदा सिंचाई को लेकर है। उसकी प्रशासनिक स्वीकृति हमें जल्द से जल्द मिले, इसी को लेकर आज हमने इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर वाहन रैली निकाली। किसानों द्वारा गाँव में नेताओं का प्रतिबंध भी लगाया गया है इस योजना को लेकर। इसकी स्वीकृति के लिए ही हमने गांव-गांव जो है प्रतिबंध लगाया है। जब तक इसकी स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक प्रतिबंध नेताओं का रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।